दोस्तों शाम का टाइम है और सुनहरा सूरज पीछे, और आज एक ऐसी चीज मिली है जो 90% लोगों ने देखी नहीं होगी। शर्ट लगा के साथ 90% लोगों ने देखी नहीं होगी। आज आपको ऐसी चीज दिखाते हैं, देखिए ये वो चीज, ये पहचानो किसके अंडे मिले हैं हमको। यहाँ पे ऐसे थे, ये अंडे हैं मोर के, नॉर्मल अंडों से थोड़े बड़े हैं, लेकिन ये मोर के अंडे हैं। तीन हाथ अंडे दिए हैं, लाओ कलर हाथ लाओ वाइट है थोड़ा। अब कुछ लोगों को लगता होगा मोर के अंडे इसलिए नीले हैं हरे हैं, लेकिन ये वाइट अंडे होते पूरे। चलो, और यहाँ यहीं पे रखेंगे हम, क्या करते हैं। और कहाँ पे मिले देखो, सारी इसको। तरफ से घास है, और ये बीच में थे अंडे सिर्फ। हम यहाँ पे आए थे, ये सोयाबीन का खेत है, यहाँ पे सुनहरा सूरज चमक रहा है, ये सुनहरा सूरज। नकब अरे नीम आई के पेड़, मैं आ जाना मामा इधर मैं को अभी नहीं। यहाँ पे बहुत सारे पक्षियों का बसेरा है। और आज और एक, अभी जो मोर के देखे थे अपने, मोर के अंडे देखे थे, उसके जस्ट बाजू में एक और पक्षी का छत्ता सा बना था, वो मैंने उठा लिया, वो नीचे गिरा हुआ था। तो वो किसी सेफ जगह पे रखेंगे, और ताकि किसी पक्षी के लिए घर ऑलरेडी बना मिले, इस वजह से ये रखेंगे। देखिए कितना मेहनत से बनाया होगा इसको, किसी पक्षी ने बनाया होगा, छोटी सी चिड़िया ने। तो उसको हम किसी पेड़ के पास रखेंगे, ताकि ये किसी छोटे से पक्षी के लिए तो काफ़ी है ये इतना, क्योंकि छोटे छोटे पक्षी होते हैं, चिड़िया होती है, गौरैया होती है ना, तो वो बहुत छोटी होती है, इस वजह से उसके लिए रखेंगे हम। चिड़िया अंडे बाड़ा तीन होती है। होती इस है पेड़ पे रखने वाले हम, बढ़िया सा जगह सोच के हम रखते हैं। कहीं बढ़िया सा, कहीं गिरने लायक ना। इधर रख रहे हैं हम, देखो इस इमली के झाड़ में घटराडू का है, चिमनी आके अंडा देती है और यहाँ इसके पे रखा है हमने। अंडा अब पिल्ले देखते हैं करते यहाँ पे कब आएगा कौन सा पंछी और उसको अपना घर बनाएगा। तो चलिए, आज का ये बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ है।